हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो ली होता है वो उस डेमन मार्केट के चोर बाजार में वहाँ पे वेस्ट में पड़ी हुई ऐसी चीजों को खरीदता है जो कि लॉर्ड ऑफ रिंग्स के हिसाब से एक मूल्यवान ट्रेजर थी, और यही जो मटेरियल्स होते हैं ली के उस ग्रैंड कॉम्पिटिशन में मदद करने वाली थी। बाकी एपिसोड शुरू होता है जहाँ हम ली को कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं। वो उसी सोल पॉट के स्पिरिट्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस सोल पॉट में पहले से ही सोल लिक्विड मौजूद होता है, इसीलिए वो उसे रिफाइन नहीं कर पाता। ये बात जब लॉर्ड ऑफ रिंग्स को वो बताता है तो लॉर्ड ऑफ रिंग तुरंत ही उसे ये कहता है, जल्द से जल्द इस पॉट के अंदर जितने भी सोल लिक्विड है वो मुझे दे दो। अब ली के ऐसा करते ही लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि इस सोल लिक्विड को डाइजेस्ट करने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए, तब तक तुम इस ब्रोकन शॉर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो जिसके अंदर एक अलग ही यूनिवर्स है। अब ऐसा कहते ही लॉर्ड ऑफ रिंग्स यहाँ डीप स्लीप में चला जाता है और हम ली को उस शॉर्ट को एक्सप्लोर करता देखते हैं, जो कि एक मैजिकल शॉर्ट हुआ करती थी, लेकिन अब उसके जो रुइंस हैं पूरी तरह से इनकम्प्लीट हैं, जिसके कारण यहाँ ली सोच रहा होता है कि कहीं वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स पागल तो नहीं हो गया है, ये पूरी तरह से ब्रोकन शॉर्ट है, तो आखिर कैसे इसके अंदर कोई यूनिवर्स हो सकता है। लेकिन जैसे यहाँ ली उस तलवार को खींचने की कोशिश करता है वो टूट जाती है और उसके अंदर से एक जेट बाहर निकलती है। अब ली ये देखकर के पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि वो एक तरह का मैजिक फॉर्मूला था जो कि एक एडवांस मैजिक होता है। इसी एडवांस मैजिक में उसे गोल्डन लायन की रोर की स्पेल मिलती है। इस मंत्र को पाके ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसे अपने आप पे यकीन नहीं होता कि ये सपना है कि सच। इससे पहले कि हम उसे गोल्डन लायन रोर के बारे में जान पाते, यहीं पे सीन कट होता है और आगे हम फैटी को देखते हैं, और वो भी उस चोर बाजार से काफी सारे कबाड़ लेकर के आया था जो उसके लिए सारे के सारे यूजलेस थे। अब यही सोच के वो डिसअपॉइंट हो रहा होता है, तभी एक जो बीड होती है वो काफी ज्यादा ब्राइटली चमकते हुए उसे हिट करती है, जिससे वो भी खुश हो जाता है कि फाइनली उसे भी एक ट्रेजर मिल गया। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और अब हम सारे कॉलेजेस के जितने भी डिसिपल्स होते हैं उनको ग्रैंड कंपटीशन की ओर जाता देखते हैं। यहाँ पे चिंगलू एकेडमी का जो राइवल कॉलेज होता है उनके जो ट्विटर होते हैं यहाँ पे चिंगलू कॉलेज को बुली कर रहे होते हैं, ये कहते हुए कि अभी भी तुम्हारे पास काफी टाइम है कि तुम उस ग्रैंड कंपटीशन से अपना नाम बाहर कर सकते हो, ताकि फिर से हारने की जो एम्बैरेसमेंट है इससे तुम बच जाओ। इसमें यहाँ ली के ट्विटर उसे ये जवाब देते हैं कि अब की बार तुम्हारी ये कॉलेज जो है तुम्हारी फोर्थ पोजीशन की रैंकिंग को नहीं चुरा सकता। जिस पर दूसरे एकेडमी का जो ट्विटर होता है यहाँ उनसे इस बात पे शर्त लगा लेता है कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है तो चलो इस बात पे शर्त लगाते हैं, और अगर तुम जीते तो हमारी तरफ से तुम्हें 10,000 मैजिक क्रिस्टल दिए जाएंगे। इस पे यहाँ ली के ट्विटर कहते हैं कि अभी भी हम बच्चे हैं जो यहाँ मैजिक क्रिस्टल्स पे बेट लगा रहे हैं, और अगर बेट लगानी है तो 6th लेवल के मैजिक एलिक्सर्स पे लगाओ, कि अगर तुम्हारी एकेडमी जीतती है तो हम तुम्हें मैजिक क्लॉट फ्लेम वाइन देंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमें 6th लेवल के मैजिक एलिक्सर्स देने होंगे। जिस पे वो दूसरे एकेडमी का ट्यूटर यहाँ हंसते हुए उनसे कहता है कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है तो चलो इस बेट में मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ, वो ये होगा कि अगर तुम लोग जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से 9 लीफ लोटस ट्रेजर भी दूंगा। अब इन्हीं सारी ट्रेजर्स पे उनकी बेट यहाँ लग जाती है। अब आगे उस ग्रैंड कंपटीशन के शुरू होने से पहले जो उस सिटी के लॉर्ड होते हैं यहाँ उन्हें कुछ नियम समझाते हैं, और वो ये होते हैं कि जो एकेडमी जितनी ज्यादा रैंकिंग पाएगा उनके रिवॉर्ड भी उसी तरह से डिवाइड किए जाएंगे। हर 3 साल में एक बार होने वाला ये कॉम्पिटिशन इस बार एंशियंट डेमन बैटल फील्ड में होगा, जिसमें जान को भी जाने का खतरा है, इसलिए इस कॉम्पिटिशन में इंटर करने से पहले तुम लोगों को एक बार केयरफुली सोच लेना है। उस डेमोनिक बैटल फील्ड में जाने से पहले जो अभी क्विट करना चाहते हैं वो यही कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने एक बार वहाँ पे एंट्री ले ली तो फिर वहाँ से क्विट करने का मतलब है कि उनका पूरा एकेडमी ही इस पूरे कॉम्पिटिशन से एलिमिनेट हो जाएगा। जिस पे सभी लोग यही कहते हैं कि उस डेमन बैटल फील्ड को ओपन कर दिया जाए कि कोई भी उन ट्रेजर्स यानी रिवॉर्ड्स को लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएगा। आगे डेमन सिटी के जो लॉर्ड होते हैं उन सभी को दिए गए टोकन्स को निकालने बोलते हैं और उन्हें अपने ब्लड में ड्रिप करने को कहते हैं, क्योंकि उस बैटल फील्ड में जितने भी डिमोनिक क्रिएचर्स को वो किल करेंगे उनके पॉइंट्स इसी टोकन में रिकॉर्ड किए जाएंगे। जिस एकेडमी के जो डिसिपल्स होंगे वो जितने ही हाई लेवल के पॉइंट्स गेन करेंगे वो उनकी एकेडमी की रैंकिंग को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर उन्हें आगे लगे कि उनकी जान का खतरा है तो वो उसी वक्त इस टोकन को क्रश कर सकते हैं, जिससे उस डिसिपल को तो वहाँ सही सलामत निकाल लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसकी एकेडमी ही इस पूरे कॉम्पिटिशन से एलिमिनेट कर दी जाएगी। लेकिन वो साथ में ये भी बात याद दिलाते हैं कि जैसे ही वो उस टोकन को क्रश करेंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ही उन्हें टेलीपोर्ट किया जाएगा, साथ ही उसने अब तक के जितने भी पॉइंट्स गेन किए होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। आगे वो बैटल फील्ड ओपन होता है और यहाँ सभी लोग ये जानते हुए एक्साइटेड हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें उन डेमन से मुकाबला करने को मिलेगा जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में आके ह्यूमंस का शिकार करते हैं, लेकिन आज बारी उनकी है।
सभी एकेडमी के ट्यूटर के साथ साथ सारे डिसिपल्स भी उसके अंदर एंट्री करते हैं। अब जैसे ही वो उस बैटल फील्ड में एंट्री लेते हैं, उन्हें वहाँ कोई भी स्पिरिचुअल पावर फील नहीं होती। इससे सभी डिसिपल्स काफी घबरा जाते हैं कि आखिर वो डिमोनिक क्रिएचर्स को कैसे स्पॉट आउट करेंगे। तभी उनमें से एक डिसिपल कहता है कि उसने यहाँ के बारे में सुन रखा है कि ये एंशियंट बैटलफील्ड काफी पुराना है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंसेस्टर हुआ करते थे जिन्होंने अपने मैजिकल स्कॉल्स को इसी जगह पे छुपाया था। तो अगर हम लकी हुए तो उन डिमोनिक क्रिएचर्स को मारने के बदले में हमें पॉइंट तो मिलेंगे ही, तो साथ ही क्यों ना हम उन खोए हुए लॉस्ट स्क्रॉल्स को भी ढूंढना शुरू कर दें। इसे यहाँ से जाने से पहले हमें कुछ न कुछ तो ट्रेजर्स हाथ में लगे। इसमें वो सभी इस बात पे एग्री करते हैं कि सबसे पहले जिस काम के लिए हमें आए हैं वो करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द पॉइंट्स को अर्न करना है। अब इतने में हम ली को देते हैं कि जैसे ही वो अपने ग्रुप को इन डिमोनिक क्रिएचर्स को हंट करने की तरफ ले जा रहा था, उसका रास्ता ज़ियोनियो एकेडमी का ही एक डिसिपल जिसका नाम हीजी होता है वो रोकता है। यहाँ पे वो उन्हें फिर से बुली करता हुआ कहता है कि तुम्हें तो मैं याद ही होगा जो मैं तुमसे उस मार्केट में मिला था। जिस पे लियो से यही कहता है कि वो बेकार के लोगों को ना याद नहीं रखता। जिस पे यहाँ हीजी उसे कहता है कि अगर आप अपनी सलामती चाहते हो तो जल्द से जल्द उस टोकन को क्रश करो और यहाँ से निकलो। जिस पे हीजी भी अपनी पावर्स को यहाँ एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर क्यों ना हम तुम्हारी यहाँ पे सारी के सारी होप्स को डिस्ट्रॉय कर दें। कि तभी वहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो उनसे कहता है कि तुम लोग इतने ज्यादा डिस्परेट हो गए हो कि बिना पॉइंट्स को अर्न किए हुए एक दूसरे की ही टीम को एलिमिनेट करवाने पे उतारू हो चुके हो। जिसपे हेजी उसे कहता है कि ये हमारे आपस के एकेडमी के बीच की बात है और हम यहाँ पे कोई भी रूल्स को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, तो तुम हमारे मामले में टांग ना ही अड़ाओ तो अच्छा है। जिसपे वो बंदा उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे मामले में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी होने वाली फियांसे ल्यूली को हर्ट करने की कोशिश करोगे तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुनके यहाँ सभी शौक रह जाते हैं। यहाँ ल्यूली उस बंदे से चिढ़ते हुए कह रही होती है कि कौन है तुम्हारी फियांसे, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, सो मेरा पीछा करना छोड़ दो। आगे वो बंदा ल्यूली को ये कहते हुए मनाने की कोशिश करता है कि तुम गुस्से में तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, लेकिन मेरा यकीन मानो मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। ये सुनते ही यहाँ फैटी ली को चढ़ाने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा भी लव राइवल अपेयर हो चुका है, देखने में तो ये काफी हैंडसम है जो तुम्हें कांटे की टक्कर देगा। जिसपे ली उसे कहता है कि मुझे किस बात की डर, तुमने देखा ना कि ल्यूली उसे कितना ज्यादा चिढ़ती है, वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती, और रही बात उसके हैंडसम होने की तो वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है ही नहीं। आगे ल्यूली उस बंदे को ये साफ कहते हुए मना कर देती है कि आपने इस फिजूल के ख्यालों को यहीं छोड़ दो क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आगे वो ली का हाथ पकड़ते हुए उसके सामने कर देती है, जिसपे वो बंदा उसे कहता है कि ल्यूली तुम्हारे तो काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं, तुम एक्चुअली में इस जैसे दिखने वाले के साथ कैसे प्यार में पड़ सकती हो। जिसपे ली यहाँ उसे कहता है कि मेरी बंदी को हैरेस करना बंद करो वरना तुम्हें मेरे मुक्कों का सामना करना पड़ेगा। जिसपे वो बंदा यहाँ काफी ज्यादा आक्रोशित होते हुए कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी वुमेन को मुझसे स्नैच कर पाए और मेरे अलावा कोई भी उसके लिए वॉर्थ ही नहीं है। अब इन्हीं कॉन्वर्सेशन के बीच वो दूसरे कॉलेज का जो हीजी होता है वो सोच रहा होता है कि कहाँ हम लोग यहाँ पे ग्रैंड कॉम्पिटिशन के लिए आए, कहाँ इनके लव ट्रायंगल के ड्रामे में फंसे पड़े हैं। जिसपे उसका फ्रेंड उसे यहाँ वार्निंग देता है कि ये जो बंदा अभी यहाँ तुम खड़े देख रहे हो ये अपने 7th लेवल के स्ट्रेंथ पे है, तो इससे भिड़ना यहाँ पर काफी मुश्किल होगा, इसलिए हमें इनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए, बेहतर होगा कि हम यहाँ पे बैठ के शो का मजा लें। अब आगे सीन यहाँ पे वापस से डायलॉग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ फिर से ली और वो बंदा जिस तरह की डायलॉग बाजी कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये जो उनका डिस्कशन होता है इस बात पे थम जाता है कि यहाँ पे उनकी भी एक शर्त लग जाती है, और वो शर्त ये होती है कि जो भी उन दोनों में से हारेगा वो ल्यूली के कभी सामने नहीं आएगा। अब ये सुनते ही ली तो यहाँ पे जेंटलमैन निकलता है और वो उसे कहता है ल्यूली क्या वो रिस्पेक्ट करता है और उसे एज अ बेट नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके लिए ल्यूली काफी इम्पोर्टेंट है और उस पे बेट लगाकर वो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। जिसपे वो बंदा ये कहते हुए कि अगर तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मैं अभी के अभी तुम्हें एलिमिनेट करवा देता हूँ। ऐसा कहते ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे ली पे अटैक करने वाला होता है। ये जो नया कैरेक्टर अभी अभी अपेयर हुआ है इसी के बारे में ल्यूली के फादर ने बताया था, अगर वो इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन में 4th रैंक के लेवल ला भी लेते हैं तो भी ल्यूली के यहाँ पे शादी कर दी जाएगी इस बंदे के साथ, लेकिन अगर ली उस ग्रैंड कॉम्पिटिशन के इंडिविजुअल फाइट में 1 की रैंकिंग लाता है तो वो इस जबरदस्ती की शादी को रोक सकते हैं। अब आगे ये जानना काफी इंटरटेनिंग होगा कि आगे क्या होने वाला है, तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, आपके लाइक करना सो हमारे लिए काफी मोटिवेट करता है। तो कीप ऑन कमेंटिंग गुड कमेंट गाइज, टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।